करो। आज मैं इस मंच के जरिए भारत के लोगों से अपील करता हूं कि चाइना के माल का बॉयकॉट करना शुरू करो। अरविंद केजरीवाल ने चाइना के माल का बॉयकॉट करने का ऐलान किया कि भी हम चाइना का माल नहीं खरीदेंगे, हम उसका बॉयकॉट करते हैं। और केंद्र सरकार से भी अपील करी है कि भाई चाइना से माल ना खरीदें, हम यहाँ भारत से में जो माल बनता है उसको हम दुगने रेट पर भी खरीद सकते हैं, लेकिन हम चाइना का माल नहीं खरीदें क्योंकि वो हमारे जो सैनिकों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं और जैसे हमारे देश के साथ मतलब जो सीमाएं लगती हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया, मतलब हर बात उन्होंने सामने रखी। आप उसके बारे में क्या सोचते हो वो हमें कमेंट्स करके बताना और पूरी वीडियो ध्यान से सुनो। और मैं अपील करता हूं भारत सरकार से, थोड़ा सा दम दिखाओ यार, अपने देश के सैनिकों की थोड़ी सी इज्जत करना सीखो। एक तरफ चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, एक तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारा सैनिक जो है वो चाइना का डट के मुकाबला कर रहा है, अपनी जान तक दे रहा है, कई सैनिकों की जान चली गई। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि चाइना को इसका इनाम देते जा रहे हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार को पता नहीं क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या हो गया, उनको सजा देने के बजाय वो हमें आंख दिखाते हैं, उनकी आंख में आंख डाल के उनको जवाब देने की बजाय उनके साथ हम और सामान खरीद रहे हैं, उनसे चाइना से और सामान खरीद रहे हैं। 2020-21 में, यानी कि पिछले साल में, हमने $65 बिलियन का चाइना का माल खरीदा। $65 बिलियन मतलब मोटे मोटे तौर पे 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत ने चाइना से खरीदा। चाइना ने और आंख दिखाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगले साल $95 बिलियन का, 7.5 लाख करोड़ का और सामान खरीदा उनसे, और सामान खरीदा। अरे आपको तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था कि या तो तमीज से रहो नहीं तो हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तुमसे। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमें तो उनको सजा देनी चाहिए थी उनसे और माल खरीदने की। क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की, क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? एक तरफ हमारे बॉर्डर पे सैनिक जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये चाइना को इनाम पे इनाम देते जा रहे हैं, चाइना से और माल खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। क्यों? हमारे सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? और माल क्या खरीदते हैं? चप्पलें इंपोर्ट हो रही हैं, कपड़े इंपोर्ट हो रहे हैं, खिलौने इंपोर्ट हो रहे हैं। ये हम नहीं बना सकते? चप्पलें हम नहीं बना सकते, कपड़े हम नहीं बना सकते? वहां से चश्मे इंपोर्ट हो रहे हैं, ये सारा सामान तो हम भी बना सकते हैं, भारत भी बना सकता है। भारत के अंदर भारत के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय सारा सामान चाइना से खरीद रहे हैं, चाइना को शाबाशी दे रहे हैं। चाइना, कुछ तो मजबूरी है इन लोगों की जो भारत को इन्होंने इस तरह से उनके सामने, हमारे सैनिकों की जान की भी इनकी कोई परवाह नहीं है। कहते हैं चाइना से माल सस्ता आता है, अरे नहीं चाहिए हमको सस्ता माल, हम भारत का माल खरीद लेंगे चाहे कितने में भी बने। हमारे भारत के लोग जो हैं वो कट्टर देशभक्त हैं, अपने सैनिकों की जान की कीमत है हमारे लिए, हमें नहीं चाहिए चाइना का सस्ता माल। डबल कीमत पे भी अगर हमारे देश के अंदर माल बनेगा हम डबल कीमत पे खरीद लेंगे अपने देश से माल, लेकिन चाइना से माल खरीदना बंद करो। आज मैं इस मंच के जरिए भारत के लोगों से अपील करता हूं कि चाइना के माल का बॉयकॉट करना शुरू करो। और मैं अपील करता हूं भारत सरकार से, थोड़ा सा दम दिखाओ यार, अपने देश के सैनिकों की थोड़ी सी इज्जत करना सीखो। भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूं, इस तरह से अपने को गिरवी मत रखो, इस तरह से चाइना के सामने अपना सर मत झुकाओ। ये पार्टी जिस तरह से चाइना के सामने सर झुका रही है, भारत पूरा देश को एक साथ लो, एक एक भारतीय चाइना का सामान बायकॉट। और ये आने वाला, ये 21वीं सदी है, यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि एक देश दूसरे देश की जमीन पे कब्जा कर लेता है, ये सारा इकोनॉमी का खेल होता है, सारा व्यापार का खेल है। जिस दिन हमने चाइना को आंख दिखाने शुरू कर दी और ये $95 बिलियन का इंपोर्ट जो हम चाइना से कर रहे हैं, ये इंपोर्ट हमने करना बंद कर दिया, चाइना को अपनी औकात पता चल जाएगी।
$95 बिलियन 7.5 लाख करोड़ कोई कम नहीं होता। और हम अपने देश में क्यों नहीं बना रहे माल? चप्पलें बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, चश्मे बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, जो जो माल मैं लिस्ट देख रहा था सारा माल जो जो चाइना से आया है। और मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े, अखबारों में खबर छपी है कि 90% से ज्यादा माल जो चाइना से हम मंगवा रहे हैं ये सारा का सारा माल इंडिया के अंदर बन सकता है। इंडिया में क्यों नहीं बनाते? इंडिया में इन्होंने हमारे देश के लोगों की हालत इतनी पतली कर दी कि बड़े बड़े उद्योगपति अब देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बता रहे हैं पिछले 5-7 साल के अंदर 12.5 लाख लोग भारत छोड़ के चले गए। किसी के पीछे ईडी छोड़ देते हैं, किसी के पीछे सीबीआई छोड़ देते हैं, किसी के पीछे, किसी को काम ही नहीं करने देते। जितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मतलब जिनके पास पैसा है, उद्योगपति है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, सब लोग देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। दुखी हो गए हैं लोग, दुखी कर दिया लोगों के ऊपर फर्जी केस कर करके। जितने चोर उचक्के हैं उनको नहीं पकड़ेंगे, चोर उचक्कों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, चोर उचक्कों को संरक्षण देंगे। और जो ईमानदारी से काम करना चाहता है इस देश के अंदर, ईमानदारी से उद्योग चलाना चाहता है, ईमानदारी से इंडस्ट्री चलाना चाहता है, ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है, उसके पीछे ईडी छोड़ देंगे, उसके पीछे सीबीआई छोड़ देंगे। वो बेचारा हाथ जोड़ के देश छोड़ के चला गया। इधर चाइना को, चाइना से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जो लोग हमारे देश के अंदर व्यापार कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, देश के बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, उनके पीछे ईडी छोड़ दी, वो सारे देश छोड़ छोड़। ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप इस सब की मैन्युफैक्चरिंग लगाओ, पूरी दुनिया के अंदर जितने इंडियंस हैं, भारत के जितने लोग पूरी दुनिया के अंदर, सबको ले आओ इंडिया में, सबको बोलो इन्वेस्ट करो, हम आपको फैसिलिटीज देंगे, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे, इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो। मैं आपको गारंटी देता हूं हम चाइना को एक्सपोर्ट करना ना चालू कर दें इंपोर्ट करने के लिए। इंडियंस को तो तुम भगा रहे हो सबको इंडिया से, और चाइना वालों को गले लगा रहे हो, झूला झुलाते हो चाइना वालों को बुला के। अरे शर्म कर लो थोड़ी सी तुम।